अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी गैलरी का फोटो को छुपाना चाहते हैं तो आपने किस तरीके से छुपा सकते हैं, और उसके बाद आप उसको दोबारा वापस लेकर आना चाहते हैं तो आपने किस तरीके से उसको वापस भी लेकर आ जाना है। आपने जब उसको छुपाना है तो आप उसको जीमेल की आईडी में जाकर छुपाएंगे, जहाँ से कोई बंदा भी उसको नहीं देख सकता। आप चाहेंगे तो वो देख लेगा, मतलब आप वापस लेकर आएंगे तो वो डायरेक्ट आपकी गैलरी में वापस आ जाएगा, तो फिर वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गैलरी की फोटो को किस तरीके से छुपा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। जी फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रही होगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपने गैलरी की फोटो को छुपाने के लिए आपकी जीमेल की आईडी का जो फोटो वाला बैकअप होगा, आपने उसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो आपने फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं मेमोरीज की ऑप्शन है, लाइब्रेरी की ऑप्शन, सर्च की ऑप्शन, आपने लाइब्रेरी की ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर वाली ऑप्शन है राइट साइड पर यूटिलिटीज, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं गेट स्टार्टेड की ऑप्शन है आपके सामने, इसके अलावा एनिमेशन है और काफी ऑप्शन है। मैंने यहां से अपनी फोटो को छुपाना है तो आपने किस तरीके से उसको छुपा लेना है, आपने सबसे नीचे लॉक फोल्डर की ऑप्शन है, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं मूव की ऑप्शन है, मूव की ऑप्शन जो होगी फ्रेंड, आपने जिस फोटो को आपने छुपाना है उस फोटो को आपने सेलेक्ट कर लेना है, मतलब के सेलेक्ट करने के बाद आपने यहां से उसको मूव कर लेना है। मूव करने के बाद आपकी जो फोटो होगी आपने कंटिन्यू करना है, उसके बाद मूव अगेन कर लेना है, आपकी फोटो जो होगी आपकी यूटिलिटीज पर चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि इसको मैं वापस लेकर जाऊं तो आपने उसी तरीके से अपनी लाइब्रेरी में जाना है, उसके बाद यूटिलिटीज में जाना है और नीचे लॉक फोल्डर में जाना है। लॉक फोल्डर के बाद आपने जो पिक्चर लगाई होगी आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने मूव कर लेना है। मूव करने के बाद वो सारी फोटो आपकी गैलरी में वापस चली जाएगी, ये आपको शो भी हो रही है फ्रेंड। लेकिन जो मैंने यूटिलिटीज में आपको दिखाई मेरी फोटो गई है, वो हिडन इसलिए हुई कि आपकी प्राइवेसी की वजह से ये जीमेल हिडन कर लेता है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपने इजीली अपनी गैलरी की फोटो को छुपा लेना है और दोबारा अपनी गैलरी में वापस लेकर चले जाना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको मेरी ये सारी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।